नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और कई दिनों से मेरा वीडियो कोई आया नहीं था YouTube पे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। तो आज मैंने देखा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है, शिक्षा मित्र BTC BEd, तो अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसकी डेट 14 जुलाई है। वो BEd वाले जो हैं अपने पैतरे फेंकने में लगे हुए हैं। वो शिक्षा मित्रों के लिए प्रत्येक तरह से साम दंड वे पीछे फेंकने की कोशिश कर। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या BEd पैतरे फेंक रहे हैं। वो शिक्षा मित्रों को संभालना होगा। जो शिक्षा मित्र 90 और 97 नंबर लेके, उससे अधिक नंबर लेके पास हैं, उन्हें भी संभालना होगा, किसी के बहकावे में ना आए। इतना समय वेट किया तो थोड़ा और कर लें अपने साथियों के लिए। और जो उत्तर कुंजी मामला जो बहराइच टीम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। इससे क्या ऋषभ की जो याचिका पड़ी है वो कमज़ोर पड़ेगी, या ये भी BEd की चाल थी, इस बारे में बात करेंगे। और 8,000 जो 18 शिक्षा मित्र पास हुए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, ऐसा कुछ सुनने में मिला है। अब BEd डरा हुआ है कि 14 जुलाई अच्छे से सुनवाई हो जाती है तो BEd कहीं बाहर ना हो जाए। तो इस सभी की चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलते हैं खबरों की ओर। अब देखते हैं BEd वाले जो पहली उन्होंने अफवाह स्टार्ट की है वो क्या है। हम आपके लिए पढ़ के बता रहे हैं। BEd के कुछ लोग या कुछ अपने ही लोग ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं कि मॉडिफिकेशन में भर्ती रद्द करवाने की अपील की गई है। तो सभी साथी एक बार अवश्य जान लें, भर्ती रद्द करने के लिए अलग से SLP करनी होती है, उसमें रद्द की प्रेयर होती है। दुनिया जानती है कि एक SLP मात्र 40 और 45 पास के मार्क मुद्दे की है, इसमें भर्ती रद्द हो ही नहीं सकती। लेकिन वो अफवाह उड़ाएंगे क्योंकि इसमें उनका फायदा है। और कुछ हमारे पैरवीकार भी ये अफवाह उड़ा सकते हैं क्योंकि उसमें उनका भी लाभ है। तो हमारी प्रेयर में ऐसी कोई मांग नहीं है। ये रिजवान अंसारी जी की तरफ से जो है पोस्ट है, उन्होंने स्पष्ट खंडन किया है इस बात का कि हमारे प्रेयर में ऐसी कोई मांग नहीं है कि कोर्ट को बिना प्रेयर के कुछ भी नहीं करते। ऐसी कोई मांग नहीं की है। कोर्ट जो है बिना प्रेयर के ऐसा किसी मामले को संज्ञान में ले। मॉडिफिकेशन में साक्ष्य लगाया गया है वह केवल इसलिए लगाया गया है बिना मामले के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू ना हो। अब 14 जुलाई को ही जो है मॉडिफिकेशन पर बहस ना होकर, 14 जुलाई को मॉडिफिकेशन बहस नहीं होगी, ये तो पक्का है। क्योंकि जो मेन जो डेट पड़ी है हमारी 14 जुलाई, जो उस पर SLP है, जिस पर पद रिजर्व किए गए हैं, तो उसी पर बहस होना है, उसी पर जो भी होगा सो होगा। तो मॉडिफिकेशन पर अगर सरकार चाहती है कुछ अपने राहत लेने के लिए बात करती है तो उस पर कुछ जैसा आप सुन सकते हैं। वैसे जो मेन जो है SLP पड़ी है उसी पर बहस होगी। और केस लंबा नहीं जाएगा क्योंकि कोर्ट बोल चुका है कि 14 को फाइनल जजमेंट देने को है। तो ये भी क्लियर है कि केस लंबा नहीं जाएगा 14 को। देखो जो FPR शिक्षा मित्र हुए हैं 69,000 भर्ती में, उनकी संख्या और विद नाम रोल नंबर के समेत जो रिकॉर्ड मांगा है, उससे तो लगता है कि केस 14 में ही कुछ सकारात्मक परिणाम मिल जाए। इसलिए BEd वालों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आए कोई भी शिक्षा मित्र साथी। दूसरी बात करते हैं, क्या जो टीम बहराइच है वो गद्दारों की टोली है। उत्तरकंजी मामला में जो 17 लाख की उगाही हुई और 5 लाख खर्च करके सुरक्षा आपको बहस के लिए खड़ा कर दिया,
इसी तरह इन्होंने रिजवान टीम को भी मुश्किलों में पड़ाई थी। 14 जेट में जो है बहराइच वाले पहले पहुंच गए थे, तो जो हमारी 21 मई को सुनवाई हुई थी उसमें काफ़ी समस्याएं खड़ी कर दी तुरंत रिजवान की टीम के लिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है बहराइच टीम है जो उत्तरकुंज की मामला चल रही है, ये बीएड वालों की पीटीएम है, इसमें बीएड वाले कार्य कर रहे हैं जिससे कि आने वाले केस जो है उत्तरकुंजी वाले कमजोर पड़ जाए। वो तो ऋषभ भाई ने अमिताभ त्रिपाठी की याचिका से अपनी याचिका कुछ दिन पहले ही डिटेक्ट करवा कर बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय दिया है, लेकिन अब ऋषभ को अपनी याचिका बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बहराइच टीम का उद्देश्य केस को कमजोर करना और पैसा कमाना है, सावधान। अब ऐसे शिक्षा मित्र हैं इतना जानबूझकर भी ऐसे लोगों को चंदा क्यों देते हैं, कुछ ये समझ नहीं आता कि जो केस के लिए कमजोर कर रहे हैं कोई पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। अब हुआ क्या, आज के केस होने से क्या हुआ कि ऋषभ की जो याचिका है वो कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट वकील होगा वो ऑर्डर आज का ऑर्डर उठा के दिखा देगा 6 जुलाई के लिए जो भी डेट पड़ी है ऋषभ जी की, उसमें तो वहाँ समस्या खड़ी हो सकती है। तो इससे जो है ऋषभ की जो याचिका पड़ी है डायरी नंबर इसका है 12/9/2020, ऋषभ मिश्रा के नाम से है ये, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। और इसका जो है ये फिल की गई थी 12/9/7 डायरी नंबर, और 15/6 के लिए पड़ चुकी है, पेंडिंग है। और इसकी जो डेट दिखाई पड़ रही है वो 6/7 के लिए इसकी सुनवाई हो सकती है। तो देखो क्या होता है, 6 तारीख को ऋषभ जी की आज तैयारी है, सभी लोग जो एक या दो नंबर से रह रहे हैं वो ऋषभ जी का सहयोग करें, और वो उन्हें चाहिए कि अच्छे से अच्छा वकील करें, और जिससे कि हमें कुछ लाभ मिल सके शिक्षा मित्र को। अब बात करते हैं कि जो 8/18 जो चयनित शिक्षा मित्र हैं वो ये भी पोस्ट वायरल हो रही है कि 60/65 कट ऑफ की तरफ से माननीय उच्चतम न्यायालय में इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन दायर किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। तो देखो ये किसी ने डाला भी है, आप देख रहे हैं ये इसमें पड़ा हुआ है, डाई नंबर वगैरह सब साफ कर दिया है, और जो है SLP नाम वगैरह कुछ नहीं है। तो ये हो सकता है बीएड वाले चालू हो, इसलिए शिक्षा मित्र सही से पहले इसकी जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही सहयोग करें या अपने डॉक्यूमेंट्स दें। कानूनी पेच देखा जाए तो बीएड अवैध है, ये तो अधिकतर सभी जानते हैं, बीएड वाले भी जानते हैं ये बात। यदि 14 जुलाई के लिए मामला खींचता है, अगर सुनवाई बढ़ती है डेट बढ़ती है, तो 100% बीएड बाहर होगा। तो इसलिए बीएड वाले बहुत डरे हुए हैं, वो हर चाल अपनी चल रहे हैं। तो ये थे आज की खबरें, आपको वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।